उत्तराखंड आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, अभी तक 15 लोग बचाए गए हैं। ग्लेशियर फटने से जोशीमठ में भारी नुकसान। जोशीमठ में सैलाब के साथ आए मलबे से बंद हुआ तपोवन का टनल, एसडीआरएफ की टीम जेसीबी की मदद से टनल की खुदाई में जुटी। तपोवन टनल में करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका, आईटीबीपी के 300 जवान टनल को खोलने में जुटे हुए हैं। मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत दी जा रही है मेडिकल सुविधा, ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते कई लोगों को लगाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर। करीब 125 लोगों के लापता होने की खबर, आईटीबीपी के जवान रात से लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, अगले और 24 घंटे तक चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। तपोवन बांध के पास मलबे के में फंसे लोगों की तलाश में जुटे खोजी कुत्ते, लोगों की तलाश के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का लिया जा रहा है सहारा। देर रात तक इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर ने रेकी की, मलारी वैली के एंट्रेंस में दो ब्रिज बहे, जबकि जोशीमठ और तपोवन के बीच मेन रोड ठीक हुआ। राहत और बचाव कार्य में सेना अलर्ट पर, राहत सामग्री लेकर देहरादून एयरपोर्ट पर उतरा हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उत्तराखंड त्रासदी पर पीएम मोदी की नजर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को किया 4 बार फोन कॉल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पीएम से लगातार हो रही है बातचीत, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। डैम टूटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हुआ, पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 170 मजदूर लापता हुए। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा, ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के पास एक झील बन गई, झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड आपदा के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। चमोली में आए सैलाब के बाद अब भी कई लोग लापता, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के टनल में फंसे सभी 16 लोगों को आईटीबीपी ने बचा लिया है। जोशीमठ में देवदूत बनकर पहुंची आईटीबीपी, टनल में कई घंटों से फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद पानी का बहाव नंदप्रयाग पहुंचा, बाढ़ के खतरे के चलते तटवर्ती इलाके में लोगों में दहशत। लोगों को निकालने में सफलता के बाद रेस्क्यू टीम में जबरदस्त जोश, लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और जयघोष किया। जोशीमठ हादसे पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कहा लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता, राहत और बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम, कहा उत्तर प्रदेश हर संभव मदद के लिए तैयार, हादसे से 2013 में आई केदारनाथ आपदा की तस्वीरें ताजा हो गई। उत्तराखंड के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, कहा ऋषिकेश और हरिद्वार तक लोगों को हटाने का काम प्रशासन कर रहा है, पानी को अलग अलग जगह डिस्चार्ज किया गया है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित 27 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। हादसे के बाद उठाए गए कई एहतियातन कदम, भागीरथी नदी को रोका उसका बहाव, ऋषिकेश श्रीनगर डैम को खाली कराया जा रहा है, नदी के जलस्तर पर लगातार रखी जा रही है नजर। जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक अभी भी अलर्ट पर, रुद्रप्रयाग तक पहुंचा पानी, निचले इलाकों को खाली करवाया गया, तो प्रशासन ने कहा डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड आपदा पर राष्ट्रपति ने भी जताया दुख, फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड हादसे पर केंद्र सरकार की भी नजर, गृह मंत्री शाह ने वायुसेना को अलर्ट रहने के लिए कहा, पूरा देश उत्तराखंड के साथ, ये बात भी कही। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां रोकी गई है, एनडीआरएफ अलर्ट, श्रीनगर में भी कई इलाकों को खाली कराया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल ने उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर आपदा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उत्तराखंड में ग्लेशियर हादसे पर अमेरिका ने भी दुख जताया, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड हादसे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी दुख जताया, ट्वीट कर कहा दुख की घड़ी में फ्रांस भारत के साथ, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज जवाब देंगे पीएम मोदी, कृषि कानूनों और आंदोलन पर देंगे विपक्ष को जवाब। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में कर सकते हैं अपना संबोधन, पीएम का संबोधन जिस पर बीजेपी के सांसदों को व्हिप जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, आज राज्यसभा स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहने का फरमान दिया गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा लाल किला हिंसा का आरोपी सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने चंडीगढ़ से पकड़ा, एसआईटी ने कार्रवाई। 100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया आरोपी सुखदेव सिंह, आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम था। सिंगू बॉर्डर पर तगड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बीएसएफ को भी तैनात किया गया। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब, स्ट्रॉबेरी हिल से वैंकूवर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली।
राजस्थान हाईकोर्ट में वाड्रा केस की सुनवाई आज, जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की गिरफ्तारी पर आज तक रोक है, आज की सुनवाई में गिरफ्तारी पर हो सकता है फैसला। अहमदाबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी और आरएसएस से डरती हैं, जबकि AIMIM के कार्यकर्ता केवल भगवान से डरते हैं। हल्दिया से पीएम मोदी ने भरी हुंकार, सीएम ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार, कहा बंगाल की जनता को निर्ममता मिली, टीएमसी का शासन का लेफ्ट का पुनर्जीवन। अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर भी पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा देश को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश, देश के लिए नहीं खुली दीदी की जुबान। ममता की विरोधी शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हारेगी ममता बनर्जी, 2019 में टीएमसी हाफ, 2021 में साफ। हरियाणा के रोहतक में सामाजिक कार्यक्रम में बड़ा हादसा, नाइट्रोजन से भरे गुब्बारे में धमाके से सांसद अरविंद शर्मा की पत्नी बेटी समेत 6 लोग झुलस गए। भारत बना रहा है कोरोना की 7 और वैक्सीन, जल्द ही तीनों वैक्सीन आएगी सामने, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,059 मामले, 78 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,673 नए केस आए सामने, एक दिन में पूरे राज्य में कोरोना के 30 मरीजों की मौत हुई है। पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह पर अब ईडी कसेगी शिकंजा, सीबीआई से मिली संपत्ति की जानकारी को लेकर जांच शुरू, परिवार और करीबियों की संपत्ति की भी जांच होगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों का मास्टर प्लान बदलेगा, नए सिरे से तय किया जाएगा भूमि उपयोग, हाई लेवल कमेटी 3 महीनों में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। रांची में कांग्रेस जेएमएम की जन आक्रोश रैली, किसान आंदोलन के समर्थन में किया प्रदर्शन, मंत्री बादल, पत्रलेख, रामेश्वर उरांव समेत कई नेता शामिल हुए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में छात्रों ने वैज्ञानिक शोध के लिए 100 फेमटो सैटेलाइट डिजाइन किया है, गुब्बारों से इन्हें किया गया है लॉन्च। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना और बॉलीवुड सितारों का साझा कार्यक्रम, धारा 370 हटने के बाद से ही लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने की कवायदें जारी हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, शिव सैनिकों ने बीजेपी नेता पर काली स्याही उड़े ली, बीजेपी नेता को थप्पड़ मारा गया, साड़ी पहनाने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता ने सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी, ठाकरे की आलोचना से भड़के थे शिव सैनिकों की ये करतूत सामने आई। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में धमाके से दहला पूरा इलाका। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में छाया कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में निर्माण कार्यों की समीक्षा की, काशी विश्वनाथ और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे सीएम योगी। 72 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने किया पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी की हत्या का खुलासा, लूट के इरादे से की थी दंपति की हत्या, पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम। बिलासपुर में अपहरण के बाद 9 साल के बच्ची की निर्मम हत्या, रिश्तेदार ही निकला आरोपी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के कसडोल से कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू की चाकरी में जुटे सरकारी अधिकारी, विधायक के जन्मदिन कार्यक्रम में लगाई गई ड्यूटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दबंगों ने रोकी दलित की बारात, दूल्हे और बारातियों से मारपीट भी की गई, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के जीवन पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बनेगी फिल्म, अजीत जोगी की जीवनी सपनों के सौदागर पर आधारित होगी फिल्म। ग्वालियर में बीजेपी की सभा में कमलनाथ पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान, 1.25 साल तक रोक कर रखा था ग्वालियर का विकास, हम ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे, ये बात भी कही। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, भूमाफियाओं पर लगाया प्रशासन परेशान करने का आरोप, सुनवाई न होने पर उठाया कदम। मध्य प्रदेश के सतना में किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भोपाल संभाग में बिना अनुमति कॉलोनी बनाने पर होगी कार्रवाई, नपेंगे बिजली कनेक्शन देने वाले अफसर, संभागायुक्त कवेंदु कियावत ने सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की जेलों में तेजी से फैल रहा एड्स, 3 साल में 746 कैदी HIV पॉजिटिव मिले, मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी की जांच में खुलासा, जेल प्रबंधन पर उठे कई सवाल। पटियाला में नगर निगम चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है, राजपुरा में एक तरफ भगवत मान ने रैली को संबोधित किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रैली की है। बिहार में 11 महीने बाद खुले स्कूल, 50% छात्रों के साथ स्कूल शुरू किए गए, सरकारी स्कूल में छात्रों को दिए जाएंगे 2-2 मास्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएमसीएच में 5,462 बेड वाले नए भवन का करेंगे शिलान्यास, देश में सबसे अधिक बेड वाला अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। राजस्थान के 20 जिलों में 90 निकायों में चुने गए प्रमुख, 48 निकायों में कांग्रेस और 37 निकायों पर बीजेपी के अध्यक्ष बने, कांग्रेस ने 2015 के मुकाबले किया बेहतर प्रदर्शन। पंजाब बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में धक्केशाही का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने धांधली कर बीजेपी के 600 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कराए। जैसलमेर के पास एक जंगल में आग लगने से मचा हड़कंप, जंगल में तेजी से फैल रही आग, कुछ दिन पहले भी यहां आग लगी थी।
म्यांमार में सेना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, मोटरसाइकिल में सवार होकर लोगों ने सेना के खिलाफ नारेबाजी की। म्यांमार में सियासी उठापटक के खिलाफ बैंकॉक में प्रदर्शन, म्यांमार के नागरिकों ने आर्मी चीफ मिन आंग लाइम के तस्वीर को जलाकर विरोध दर्ज करवाया। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई बोले, परमाणु डील से पहले अमेरिका को ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। इटली में अल्पाइन स्की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज, सुरक्षा मजबूत करने के लिए खोजी कुत्तों की तैनाती, 2 हफ्ते तक चलेगा फेस्टिवल। स्पेन में जारी वैक्सीनेशन के बीच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप पहुंची, 18 से 55 साल तक के लोगों को लगाने की दी गई है मंजूरी। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पुलिस ने इन्हें रोका था। अमेरिका के डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पैर में लगी चोट की कराई जांच, वीकेंड पर यहां छुट्टियां मना रहे हैं, कुत्ते से खेलते हुए लगी थी चोट। ब्रिटेन में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, साउथ ईस्ट में बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर नजर आई। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, देश को एसबीआई जैसे 20 संस्थानों की जरूरत है, ये 4 क्षेत्र विनिवेश से बाहर। वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनी के निजीकरण पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, बोली सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी अच्छा प्रदर्शन करें इसके लिए विनिवेश जरूरी। कुछ कलपुर्जों के कस्टम ड्यूटी बढ़ने से बल्ब सहित एलईडी लाइट उत्पादों की कीमतें 5 से 10% तक बढ़ सकती है, घरेलू मैन्युफैक्चरर्स से दी जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहले मैच में ऋषभ पंत ने पहली पारी में जड़ा 8 शतक, पंत ने 88 गेंदों में बनाए 91 रन। टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज का धमाका, बांग्लादेश के खिलाफ एशिया में 395 रन का सबसे बड़ा टारगेट किया हासिल, वेस्टइंडीज की इस जीत के हीरो रहे कायल मेयर्स। रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दिया 370 रनों का टारगेट, साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मार्करम और डुसेन जमे हुए हैं। इंडियन सुपर लीग मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और हैदराबाद के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ खेला गया, दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक। मशहूर फिल्मेकर करण जौहर के बच्चे यश और रूही के जन्मदिन पर बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने पति सैफ अली खान का फोटो शेयर किया, ग्लैमरस लुक में दिख रहे हैं सैफ अली खान। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने म्यूजिक वीडियो थोड़ा थोड़ा प्यार का टीजर रिलीज किया, वीडियो में सिद्धार्थ के साथ नेहा शर्मा नजर आए। टाइगर श्रॉफ ने पूल में फ्लॉन्ट किए एप्स, इस फोटो को 10 घंटे में 10.5 लाख मिले लाइक्स, फैंस ने इस इमेज को कमेंट की झड़ी लगा दी। वॉलीबॉल खेलते हुए अगर आपने किसी डॉगी को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये डॉगी वॉलीबॉल खेलने में इतना माहिर है कि एक भी बार मिस नहीं कर रहा है। खेल में 2 बच्चों ने पकड़े खतरनाक और जानलेवा अजगर के साथ खेलते हुए बच्चों के साहस को देखकर इन्हें आप खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं। हाथी को जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है, देखिए कैसे हाथी इस लग्जरी कार पर हमला कर देता है और फिर ये कार चकनाचूर हो जाती है, ऑटो को सवारियों के साथ यह हाथी पलटा भी देता है। बीच सड़क पर तेंदुए ने जंगली छिपकली को घेरा, मौत को सामने देख छिपकली ने तेंदुए पर अपनी पूंछ से इतना जोरदार हमला किया कि तेंदुआ शिकार करना भूल गया। हाई हील सैंडल में आपने लड़कियों को तो देखा होगा लेकिन खेती करते हुए नहीं देखा होगा, देखिए कैसे हाई हील सैंडल में महिला खेत में मक्के की बुआई कर रही है। दो दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, बिल्ली कुत्ते को जमकर प्यार कर रही है, जैसे ही कुत्ता सोकर उठता है बिल्ली को पीछे गिरा देता है और कुत्ता वैक्यूम से मसाज ले रहा है, उसे कितना पसंद आ रहा है, तस्वीरें देखिए।